नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। चीन एक ऐसा देश है जिसने कई देशों को अब तक कर्जे की गर्त में डुबो दिया है। चीन हमेशा दूसरे देशों को निगलने का काम करता है। चीन इस फिराक में बैठा रहता है कि कैसे छोटे देश या फिर जिन देशों पर पहले से कर्जा है उन देशों को कैसे आर्थिक रूप से और भी ज्यादा कमजोर करना है। भारत को लेकर भी कोशिशें तो चीन ने कई बार की, लेकिन वो भूल जाता है कि पूरी दुनिया में चीन को आंखें दिखाने का दम अगर किसी में है तो वो सिर्फ भारत में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वक्त वक्त पर ड्रैगन को बताते रहते हैं कि जिससे वो टक्कर लेने की सोच रहा है वो पाकिस्तान या श्रीलंका नहीं बल्कि हिंदुस्तान है। वो भूल जाता है कि ये एक नया भारत है जो अपने दुश्मनों को खत्म करने की क्षमता रखता है। देश की सुरक्षा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी दुश्मन देशों के सामने चट्टान की तरह खड़े हैं। चीन को आंख दिखाने की ताकत सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ही है। इसका ताजा उदाहरण पीएम नरेंद्र मोदी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO समिट में दे दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI की हवा निकालकर चीन को उसकी औकात दिखा दी है। यह चीन का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसने कई कमजोर देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर निगल लिया है, लेकिन भारत ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया है। भारत ने इस योजना को समर्थन देने से चीन के मुंह पर मना कर दिया। SCO की यह बैठक वर्चुअली आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत और चीन के अलावा रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और दूसरे नेताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन भारत के अलावा किसी भी देश ने चीन के BRI का विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। जिस वक्त भारत के प्रधानमंत्री ने इस योजना पर समर्थन देने से मना किया उस वक्त चीन के राष्ट्रपति चुपचाप वहीं बैठे रहे। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से वो कोई समझौता नहीं करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, बेहतर संपर्क आपसी व्यापार ही नहीं आपसी विश्वास भी बढ़ाता है, लेकिन इन प्रयासों में SCO चार्टर के मूल सिद्धांतों विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना बेहद जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया कि ऐसी किसी भी परियोजना का भारत समर्थन नहीं करेगा जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो। इससे पहले पिछले साल समरकंद घोषणा पत्र में भी भारत ने इस योजना का पूरी तरीके से विरोध किया था। भारत का मानना है BRI के तहत बन रहा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करता है। ये कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से निकलता है। समरकंद घोषणा पत्र में भी भारत ने इसका विरोध किया था। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि चीन के BRI प्रोजेक्ट के कारण दुनिया के कई देश कर्ज के जाल में फंस गए हैं। भारत इस प्रोजेक्ट का कतई भी समर्थन नहीं दे सकता। BRI प्रोजेक्ट को लेकर सबसे ज्यादा चिंता का विषय है कि इससे देश की सुरक्षा को खतरा है। BRI एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में कुछ भी स्पष्ट फिलहाल नहीं कहा जा सकता। इसके जरिए चीन पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। वो दुनिया के गरीब देशों को कर्ज दे रहा है और फिर उनके संसाधनों पर कब्जा कर रहा है। अफ्रीका से लेकर दक्षिण अमेरिका तक कई देश उसके कर्ज के जाल में बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। BRI का असल मकसद अमेरिका की पकड़ को कमजोर करना और भारत को चारों तरफ से घेरना है। चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ मध्य एशिया और यूरोपीय बाजारों तक अपनी जमीनी पहुंच बढ़ाना चाहता है। इसके साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र तक भी चीन दखल देना चाहता है। इसके जरिए चीन भारत पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन भारत ने उसके इस साजिश में शामिल होने से दो टूक मना कर दिया है। चीन के हर चाल को भारत अच्छे से पहचानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार चीन के मंसूबों पर पानी फेर चुके हैं। चीन भी इस बात को अच्छे से समझने लगा है कि वो भारत को कमजोर समझने की कोशिश बिल्कुल ना करे। भारत नई ताकत के रूप में आज पूरी दुनिया में उभर रहा है। अगर चीन ये सोचता है कि वो भारत को दबा देगा तो ये इसकी सोच गलत है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।